जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों आज है सैटरडे और सैटरडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए स्पेशल ओटीटी अपडेट वीडियो, जिसमें मेरे पास जो भी नई ओटीटी अपडेट्स आती हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो अब इस वीडियो में वही करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा सुन लेना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और आज है सैटरडे, सैटरडे ओटीटी अपडेट वीडियो 1, और जैसे कि आपको पता है कि संडे को ओटीटी अपडेट वीडियो 2 भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं करते वहां मुझे फॉलो कर लो, जहां पे अपन बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरे टेलीग्राम का भी लिंक आपको मेरे चैनल पेज पे मिल जाएगा, जहां मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहता हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं दो रिलीजेस की जो हिंदी डब लैंग्वेज में हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, तेलुगु फिल्म मीटर जो कि 2023 में सिनेमाज में रिलीज हुई थी, इसके हिंदी डब्ड वर्जन को दोस्तों अब डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आपको मीटर मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन का इंतजार था, अभी आपको डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों तमिल फिल्म डीडी रिटर्न्स, जिसका टीवी प्रीमियर हुआ था हिंदी डब लैंग्वेज में और लोगों को काफी ज्यादा इंतजार था डीडी रिटर्न्स का, अब इस मूवी को हिंदी डब लैंग्वेज में डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आपको डीडी रिटर्न्स को टीवी पे नहीं देखना था, आपको ओटीटी प्रीमियर का इंतजार था, तो अब ये इस डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे कल रात 12 बजे से रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आप में से काफी सारे लोग मुझे UT69 के लिए मैसेज करते हैं, जो कि कहानी आपको देखने को मिलेगी इंडियन ऑलमोस्ट क्रिएटेड पॉर्न इंडस्ट्री की। और इस UT69 के लिए आपके काफी मैसेजेस आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का कोई OTT रिलीज नहीं है और ना ही ये प्लान हो रहा है। उसका रीजन ये है कि इस मूवी को सिनेमाज में भी रन करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला था, और ऐसी मूवीज को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के लिए बनाया जाता है, जहां लोग खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इसमें हमने देखा था कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड ने कोशिश की थी। लेकिन इसका कोई OTT रिलीज नहीं होगा, इसका OTT प्लेटफॉर्म किसी ने बाय भी नहीं किया इस मूवी को, और ये एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है। इसलिए अगर UT69 का आपको इंतजार है कि OTT पे रिलीज होगी, तो ऐसा भी इसका कोई भी जल्दी से प्लान नहीं है रिलीज का। इसके अलावा दोस्तों बी कीपर को लेके आप लोगों के काफी मैसेजेस आते हैं। बी कीपर मूवी सिनेमाज में रन हुई और काफी ज्यादा $7 मिलियन के आसपास इसने बिजनेस किया। इसमें जेसन स्टैटम है, तो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, और बी कीपर के हिंदी डब्ड वर्जन का इंडिया में काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि बी कीपर अभी भी काफी सारी कंट्रीज में सिनेमाज में रन कर रही है, और इंडिया में भी इसे लेट रिलीज किया गया था, और VOD रिलीज इसका ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है, जहां पे आप इसे रेंटल बेसिस पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। लेकिन जिनको इंतजार है इसके हिंदी डब लैंग्वेज का, दोस्तों आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक इसके सिनेमा का जो रिलीज है इंडिया में भी चल रहा है, और इंडिया में जब तक ये चलेगा तब तक इसका OTT रिलीज नहीं होगा। और बी कीपर हिंदी में आपको देखने को अगर चाहिए, तो आप ये मान सकते हैं कि अप्रैल से पहले इसे रिलीज नहीं किया जाएगा। बी कीपर को इंग्लिश में फिलहाल आप देख सकते हैं, VOD पे ये रेंटल पे रिलीज हो चुकी है। अच्छे ग्राफिक्स हैं मूवी के, इसलिए मजा आएगा अगर आप VOD पे इसे रेंट करके देख सकते हैं। अच्छा प्रिंट इसका अवेलेबल हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों क्रैक मूवी जो सिनेमाज में रिलीज हुई है, जिसकी लीड में आपको विद्युत जामवाल देखने को मिलते हैं, और जो इसका एक ट्रेलर था और जो इसका पोस्टर था वो बताता है कि काफी ज्यादा जो है एक्शन इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। मूवी ने पहले दिन सिनेमाज में ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है, तो इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये एक डिसेंट स्टार्ट, एक एवरेज स्टार्ट देगी, लेकिन उसके हिसाब से एक डिसेंट स्टार्ट है। और सिंस अ वर्ड ऑफ माउथ इसके लिए ठीक ठाक आना चालू हो गया, तो इस वजह से आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि इसका OTT रिलीज कब होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रैक मूवी जो है इसके OTT राइट्स हैं डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे, ये कंफर्म है, क्योंकि जब मूवी देखने जाएंगे तो शुरू में ही स्टार्टिंग होती है मूवी की, तभी उन्होंने बता दिया है कि स्ट्रीमिंग पार्टनर डिस्नी हॉटस्टार है, तो मूवी की तरफ से कंफर्मेशन है, तो डिस्नी हॉटस्टार पे रिलीज होगी। और अब डाउट है कि कब रिलीज किया जाएगा इसे, तो दोस्तों जहां ये 22 फरवरी को रिलीज हुई है, आपको ये अप्रैल के मिड में देखने को मिलेगी। 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपको क्रैक मूवी देखने को मिलेगी डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मयुगम मूवी के लिए आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मूवी इस टाइम पे सिनेमाज में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, और ब्रह्मयुगम के लिए आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आखिर इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा OTT पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मयुगम के जो OTT राइट्स हैं वो हैं सोनी लिव के पास, और सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे ये हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज होगी, लेकिन इसका जो रिलीज होगा वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। इसका रिलीज होगा मार्च के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, क्योंकि सोनी लिव 45 डेज का टाइम लेता है किसी भी मूवी को सिनेमा से अपने OTT पे रिलीज करने से पहले। लेकिन सोनी लिव की अच्छी बात यह है कि जब भी रिलीज करता है हिंदी डब लैंग्वेज के साथ ही करता है। तो ब्रह्मयुगम जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट हॉरर थ्रिलर मूवी है, काफी अच्छा इसका सिनेमा रिस्पॉन्स है, क्रिटिक्स ने भी इसे काफी अच्छा रेट किया, इसलिए ब्रह्मयुगम का इंतजार है। सोनी लिव पर इसे रिलीज किया जाएगा एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास, और फिलहाल अगर आप देखना चाहते हो सिनेमाज में इसे रिलीज किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है शैतान मूवी का, और जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि वश मूवी को कब रिलीज किया जाएगा, जो कि वश एक गुजराती मूवी है, तो उसे कब रिलीज किया जाएगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि वश वही गुजराती मूवी है जिसके राइट्स को लेकर शैतान मूवी को बनाया गया है। और वश मूवी को जहां पहले रिलीज हो जाना था गुजराती लैंग्वेज में, लेकिन इसे होल्ड इसीलिए किया गया क्योंकि इसके राइट्स को सेल करना था हिंदी के, और अब शैतान मूवी उस पर बन चुकी है और शैतान मूवी अब सिनेमा रिलीज करेगी। और शैतान मूवी के सिनेमा रिलीज के बाद शैतान के जो राइट्स हैं वो नेटफ्लिक्स के पास हैं, जिसकी लीड में आपको अजय देवगन और आर माधवन देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा ट्रेलर इसका आउट हो चुका है, तो ये जब नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी उसके बाद आपको वश गुजराती मूवी गुजराती में रिलीज होती हुई नजर आएगी, तो इसी वजह से इसका होल्ड हुआ है। तो वश मूवी के लिए जो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, भाई भी 2-3 महीने रुक जाओ, नेटफ्लिक्स पे पहले शैतान मूवी रिलीज होगी, उसके बाद जाके कहीं आपको मौका मिलेगा कि आप वश मूवी को भी गुजराती में देख पाएं, क्योंकि उसको होल्ड इसीलिए किया गया उसका रिलीज क्योंकि उसके जो राइट्स हैं वो नेटफ्लिक्स को दे दिए गए हैं और सिनेमा प्रोडक्शंस को दे दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 370 इसके लिए कल से काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 मूवी जो है अभी सिनेमाज में एक अच्छे रिस्पांस के साथ स्टार्ट हुई है और क्रिटिक्स ने भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, और अब अच्छा रिस्पांस होने की वजह से वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाएगा तो मूवी को सिनेमाज में चलाया जाएगा और इसके बाद इसका OTT रिलीज आएगा। जो इसके OTT राइट्स हैं दोस्तों ये हैं जियो सिनेमा के पास, तो जियो सिनेमा जब किसी मूवी को रिलीज करने देता है तो उसका 2 महीने का 3 महीने का ऐसा कोई भी टाइमलाइन नहीं रखता है। जियो सिनेमा का सिंपल फंडा है कि वो अपने पास राइट्स रखते हैं, मूवी के रिस्पांस के बेसिस पे उसको बिड करते हैं कि बाद में कोई और खरीद ले, और जो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से Z5 इस या नेटफ्लिक्स इसमें से किसी से बिड कर सकता है जियो सिनेमा, लेकिन अगर ये सेल होते ही नहीं है तो ये जियो सिनेमा के पास रह जाएंगे और आपको 90 डेज के बाद ये मूवी सिनेमाज में OTT पे देखने को मिलेगी, यानी कि अप्रैल एंड या मई के स्टार्ट में जाकर आप आर्टिकल 370 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो राइट्स हैं वो जियो सिनेमा के पास हैं और जियो सिनेमा वेट करता रहता है कि कहीं और पहले मेरा इंतजाम हो जाए उसके बाद ही मैं रिलीज करूं, और फिलहाल के लिए जियो सिनेमा के पास इसके राइट्स हैं। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तभी कन्फर्म होगा जब इनकी डील फाइनल हो जाएगी, जो कि Z5 या नेटफ्लिक्स में से एक होगा, ऐसी अपडेट मेरे पास निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर ली हैं अभी के लिए, अब कल के वीडियो में आपको और भी अपडेट्स दूंगा जो मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो कमेंट्स आपके पिछले हफ्ते से आए थे यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कुछ रह गया हो इसमें से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जो भी आप पूछते हैं मैं कोशिश करता हूँ उससे रिलेटेड अपडेट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो मेरे चैनल पर आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और Instagram और Telegram पे कनेक्ट कर लो। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।